सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आई होप आप सब अच्छे हैं, हम सही बहुत अच्छे हैं। मुझे आशा करता हूँ आपको लास्ट मेरा बर्थडे वाला व्लॉग पसंद आया होगा। तो ये बर्थडे के बाद वाला दिन है, अभी जा रहा हूँ मैं कॉलेज, आप देख सकते हैं यूनिफॉर्म में हूँ। जाते हैं कॉलेज और देखते हैं क्या होता है कॉलेज में, कॉलेज मतलब बर्थडे के बाद वाला दिन देखते हैं। हाँ यार, काफी सही लग रहा हूँ, सही लग रहा ना दीदी? दीदी यहाँ पे अपना फेस बना रही, जो होता है एक भाई बहन के बीच में। तो सबसे पहले निकलते हैं कॉलेज के लिए और बार बार मैं लेंस को छोड़ के बार बार खुद को देख रहा हूँ। एहे, रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। तो कोई बात नहीं, सब बातों को रखते हैं साइड में, जाते हैं सबसे पहले कॉलेज और कॉलेज में जाके मिलते हैं। और ये जो छोटे अंकल ने मुझे स्मार्ट वॉच दिया वो पहन के मैं जा रहा हूँ कॉलेज। थैंक यू अंकल। सो कॉलेज पहुँच चुका हूँ, कोई भी अभी तक आया नहीं है, बस साहिल है और इधर स्नेहा है। आप जूम करके अच्छे से देख लो स्नेहा को, लास्ट व्लॉग में आपने देखा नहीं था, तो सबका वेट कर रहे हैं। अभी देखते हैं कितने जन आते कितने जन नहीं आते। तो यहाँ पे क्लास स्टार्ट हो चुकी है, सर आ गए और यहाँ पे अभी रितम आता है इतना लास्ट में। तुम्हें शर्म है कुछ? कुछ शर्म आया है? रितम और ये अपना हीरो सूरज, सूरज साहब, श्रुति हाय। सो ये बंदा लेट आया क्लास में। क्या बोला, मैं क्या बोलूँ, तेरे पास बाइक नहीं है? बोलेगा बाइक स्टार्ट नहीं हो रहा। ये दोनों फंस गए यहाँ पे क्लास बंक करते हुए, पकड़े गए थे भाई। बाइक मतलब बाइक खराब हो गया, लास्ट डे मैं नहीं आया था, ये सब आए थे और ये सारी क्लास बंक कर रहे थे। अल्लाह माफ करे, बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो, रहने लो, रहने लो, बहुत बुरे लग रहे हो। तौबा तौबा तौबा, थारा मूड खराब कर दिया। रितम, स्नेहा, हाय, हाय स्नेहा, हाय, मास्क पहन दो। श्रुति एक बार, श्रुति एक बार, एक बार वही बाबा। स्नेहा हाय, हाय, एक बार, एक बार। अरे वाह, कितनी मस्त लग रही है यार। तो मैं, अगरबत्ती, स्नेहा, सूरज, श्रुति हम आए अंडा मैगी खाने के लिए। कोई बोला ऐसे करने? चचा एक बार हाय बोल दीजिए तो। अरे ऐसे कीजिए ना। हाँसी, अरे जियो, हंसी देखी गाइस, 100 करोड़ की तो हंसी है, मास्क लगा के रहता है इसीलिए। हेलो, तो फिलहाल हमारा मैगी आ चुका है, ना खाई नहीं। और ये द मोस्ट अवेटेड पर्सन तुषार, तो सब ठीक है? तो इसने तो क्लास में कहर ढा दिया है। अरे मुंह मत शर्मा यार। श्रुति मैगी कैसा लग रहा है? ठीक है तो। और ये साले को बम से उड़ा दूंगा एक बार, हाथ में आ जाए तो। रितम ने चश्मा खोल दिया क्या? रितम, ओहो, ये तो पूरा फील में आ गया है। ये है, रहा नहीं जाता। तो फिलहाल अभी हम अपने लास्ट वाला क्लास यहाँ पे बंक तो नहीं बोल सकते, उसे क्या बोलते हैं, एग्जीबिशन है, टेक फेस्ट है हमारे कॉलेज में, तो उसके लिए हम आ चुके हैं अपना क्लास। हम क्या बोलते हैं, क्लास छोड़ दिए, सर ने बोला जो जो है इसमें तो वो सब चले जाओ, और हम आ चुके हैं। सर हमसे तंग आ गया इसलिए छोड़ दिया। हाँ सर हमसे तंग आ गए तो हम छोड़ देते। यहाँ पे रितम, सूरज, सौरभ, श्रुति और स्नेहा। कल रात में मतलब शाम को, तू मेरे को शाम को फोन करके क्या बोलेगी, तेरे लिए केक कट कर हम लोग लाए हैं और कट करके खा गए। सुबह बोल रहा खा गया केक। खा गए थे तो चौसमेटा फिल उजली ड्रेन है, चल झूठी। सो फिलहाल घर वापस आ चुका हूँ और पीछे आप देख सकते हैं अभी वो आरती का थाल वहीं पे रखा हुआ है। तो इन्होंने तो मेरा गैस पोपट करा दिया, मेरे फ्रेंड ने, उन्होंने कल बोला, सच में उन्होंने केक मंगवाया था और वो केक कल रात ही खा गया, मैं नहीं जा पाया, इसलिए सुबह सुबह तो मेरा पोपट हो गया। तो बहुत ज़्यादा गर्मी, सबसे पहले पीते पानी उन्होंने। और उनका प्लान कुछ ऐसा था कि छुट्टी होने के बाद वो जो बर्थडे बम्स होता है वो देंगे, बट मैं निकल आ गया, मतलब वो थोड़ी देर और रुकता तो बर्थडे बम्स मुझे पड़ जाते 20 बावर, इन्हें बच गया। सबसे पहले चेंज करते हैं और उसके बाद फिर लंच करते हैं, बहुत तेज़ भूख लगी हुई है मुझे, पानी पीते, ठंडा पानी, मतलब गर्मी में तो ठंडा पानी तो मतलब मस्त हो गया अब मेरे लिए, गला ख़राब हो गया बट फिर भी ठंडा पानी पीना है। जैसा होता है अब आई कंटिन्यू करते हैं ब्लॉग, पहले घर आते हैं, फुल एग्जॉस्टेड है गाइस, पूरा बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी है, बहुत ज़्यादा धूप है। तो जब अब कुछ हो तब मैं कंटिन्यू करूँगा ब्लॉग को।
सो गाइस आप गेस करो मैंने अभी फ्रिज से क्या निकाला होगा। हम क्या खाते थे? सबसे पहले खाते हैं, सबसे भूख लगा हुआ है। अरे वो गिर जाएगा रहने दो, तो फ्रिज से मजा आ गया, केक निकल गया। मैंने ओके मुझे लगा कि खत्म हो गया अगर आते, लेकिन नहीं अभी तो था केक। तो चलिए सबसे पहले इसे निकालते हैं रिंग लाइट को, अभी मतलब शाम हो रही है और अभी रिव्यू करते हैं रिंग लाइट का। ये कैसा सा रिंग लाइट है देखते हैं, तो पहले जला के देखते हैं उसके बाद इसे कनेक्ट करेंगे वो कुछ इनके साथ जो इसकी फिटिंग्स आई हैं। सो गाइस यहाँ देख सकते हैं आप ये ऑन ऑफ बटन है, आप यहाँ से पहले सबसे पहले ऑन कर लें और इसके बाद नीचे ब्राइटनेस बढ़ाने का कम करने का है, नहीं ये तो सॉरी ये चेंज करने के लिए। जैसे कि अभी आप देख सकते हो ये फुल वाइट है, अगर आपको थोड़ा सा वार्म चाहिए तो ये वार्म, और इससे भी ज़्यादा वार्म चाहिए तो फिर ये, और इसकी आप सेंसिटिविटी बढ़ा सकते हो, ऐसे कम कर सकते हो, जैसे आप देख सकते हो कम हो रहा है। सो ये तो कुछ काम की चीज़ ने दी है, बहुत सही। लेट्स चेंज, इसे चेंज करते हैं। वाव ये मस्त है वाइट रिंग लाइट। और ये अंकल, छोटे अंकल आए तो उन्हें मैं अपना रिंग लाइट दिखा रहा हूँ। छोटे अंकल आप देख सकते हो बाहर हैं, क्या होगा रिंग लाइट वीडियोस बनाएंगे ना वीडियोस। सो गाइस अभी कुछ ऐसा लग रहा है मेरा रिंग लाइट, मैंने अभी इसे जस्ट अभी से सेटअप किया, बहुत सही लग रहा है। ट्राइपॉड तो मेरे पास पहले से था, बस रिंग लाइट दीदी जानती थी कि ट्राइपॉड है, इसीलिए ट्राइपॉड उसने लिया नहीं, ये रिंग लाइट लिया। एक बार मैं स्विच करता हूँ और अपनी ओर दिखाता हूँ मैं कैसा लग रहा हूँ। तो अगर बात करें इसके लाइट क्वालिटी की तो गाइस बहुत सही है। मैं एक बार स्विच करता हूँ दूसरे मोड्स पर, एक मिनट। हाँ तो आप देखना, अभी मैं थोड़ा सा गोल्डन टाइप का दिख रहा हूँ, अभी थोड़ा और गोल्डन, ये वाइट, थोड़ा ब्लूश। हाँ कलर एडजस्ट करें, थोड़ा आई से टाइम लगता है। गाइस बहुत सही लग रहा है गाइस, बहुत ज़्यादा सही, ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया ये वाला कलर। तो थैंक यू दीदी, व्लॉग देख रही हो तो बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बड़ी हेल्प हो गई मेरी, मज़ा आया। सो गाइस इसी के साथ आज का व्लॉग मैं करता हूँ यहीं एंड। तो आपने देखा कि आज मेरा कैसा पोपट हो गया, मतलब कॉलेज जाते ही उन्होंने केक खा लिया मेरे फ्रेंड्स ने पूरा केक, मतलब कल उन्होंने सोचा कि बर्थडे में नहीं खिलाएगा शाम को, मैं तो पहुँच नहीं पाया कोई काम से बिजी था, तो खा लिया उन्होंने सारा केक और कल मेरा पोपट हो गया। तो जो आप अभी जो लाइट आ रही है मेरी रिंग लाइट की दीदी जो गिफ्ट किया, बहुत अच्छी सही लाइट है। और इसी के साथ आज का ब्लॉग करते हैं यहीं पे एंड। आई होप आपको आज का ब्लॉग पसंद आया हो, अगर पसंद आया हो तो हमारे ब्लॉग को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाल कलर का बटन होगा फ्री है इसको प्लीज़ प्रेस कर दें, शेयर करें जितना हो सके फ्रेंड्स फैमिली रिलेटिव्स के साथ। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, टिल देन गुड बाय। नेक्स्ट ब्लॉग नहीं होगा, नेक्स्ट एक वीडियो होगा, मतलब ऐसा कुछ था कि हमारे कॉलेज में एक फेस्ट था टेक फेस्ट, तो उसके लिए मैंने वो वीडियो बनाई थी, तो रॉ फाइल था उसका 11 मिनट का, उसे मैंने अच्छे से पार्ट्स को काट के 8 मिनट का किया। फिर मुझे याद आया कि मैम जो हमारी कोऑर्डिनेटर मैम है, जो ये इन सब का रिस्पॉन्सिबिलिटी जिनका वो शॉर्ट फिल्म देखने का, मतलब सिलेक्ट करने का, तो उन्होंने कहा था कि 5 से 6 मिनट का होना चाहिए, तो मैं 6 मिनट का बनाया था, तो फिर वो सिलेक्ट नहीं हुआ क्योंकि वो 6 मिनट का था, 5 मिनट का होता तो मैं अगर 1 मिनट और कट कर देता तो अच्छे अच्छे सीन्स कट जाते। तो फिर मैंने सोचा कि इसे यूट्यूब में अपलोड कर देंगे गाइस, तो ये व्लॉग नहीं होगा, एक बहुत अच्छा वीडियो होगा। तो मेरे इंस्पिरेशन से इंस्पिरेशन, वो आप नेक्स्ट वीडियो में जरूर देखना गाइस। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में, टिल देन गुड बाय गुड नाइट सायोनारा। तो प्लीज सब सबर कराए सर सर।